नमस्ते दोस्तों, रेन डिज़ाइंस फिल ब्यूटीफुल चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिज़ाइनर कुर्ती बनाना सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जो कपड़ा है 2 मीटर लिया है कुर्ती के लिए। इसका जो पन्ना है वो काफ़ी बड़ा है, करीब 60 इंचेस का पन्ना है। तो इसे मैंने फोर फोल्ड में करके रखा हुआ है, एक इस तरह से। अब क्योंकि ऊपर से कपड़ा अनइवन है तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो इसमें अपर और लोअर बॉडी बनने वाली है, मतलब ऊपर का हिस्सा हम अलग से काटेंगे और नीचे का अलग से। तो जो मेरी टोटल फुल लेंथ है वो है 42 इंचेस, जिसमें अपर बॉडी जो मेरी होगी, ऊपर का जो पार्ट होगा वो 16 इंच का होगा। तो हम क्या करेंगे, 42 इंचेस में से -16 कर देंगे और जो भी बचेगा वो हमारा स्कर्ट, मतलब ये जो नीचे का पार्ट होगा, नीचे का बॉडी पार्ट होगा वो होगा। तो ये 26 इंचेस बच जाएगा, यहाँ पर हम 16 लेंगे। तो जब 16 + 26 ज्वाइन होगा तो टोटल फुल लेंथ हमें 42 मिलेगी। तो सबसे पहले अपर बॉडी कट करेंगे, उसका मेजरमेंट करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ से हमें 16 इंचेस पर मार्क करना है। और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। प्लस 1/2 इंच सिलाई के लिए। तो टोटल लेंथ हमने 16 इंचेस ली है प्लस 1/2 इंच सिलाई का, तो टोटल 16.5 इंच का हमने मार्किंग किया है। तो अब हमारा जो शोल्डर है वो है 14 इंचेस, 14 ½ 7 होगा। तो यहाँ पर हम यहाँ से 7 मार्क करेंगे। तो जितना आपका शोल्डर आता है उतना ही हमें चेस्ट लाइन लेनी है। तो ये भी होगी 7 इंचेस। चेस्ट लेंथ कैसे आता है, जो भी आपका शोल्डर है वही आपका चेस्ट लेंथ होगा। अब यहां से यहां तक 7 है तो यहां से यहां तक भी हम 7 मार्क करेंगे और एक इक्वल बॉक्स फॉर्म करेंगे 7 इंचेस का। तो इन दोनों लाइन को हम ज्वाइन कर देते हैं। अब हमारी टोटल चेस्ट राउंड जो है वो है 36 1/2 इंचेस। तो 36.5 हमारा टोटल चेस्ट राउंड है, जिसे हम डिवाइड बाय 4 करेंगे प्लस 1/2 इंचेस लूजेस रखेंगे तो मेरा टोटल आता है 9.7। तो ये 0.5 है 6 7। तो यहाँ से रखते हुए हम 9.7 पर मार्क करेंगे। फिर जो मेरा वेस्ट राउंड है वो है टोटल 34 इंचेस, 34 / 4 प्लस 1/2 इंचेस लूजनेस, तो हमारा टोटल आता है 9 इंचेस। तो यहां से हम 9 इंच पर मार्क करेंगे। ये जो कुर्ती है हम लाइनिंग वाली बना रहे हैं, मतलब इसमें नीचे अस्तर का यूज होगा, पर मैं सबसे पहले मेन फैब्रिक पे मार्किंग कर रही हूँ, उसके बाद हम इसे रखकर लाइनिंग की कटिंग करेंगे। स्पिन कर लेती हूँ ताकि ये हिले ना। तो
अब हमारी जो विड्थ होगी नेक की वो 3 इंचेस है, यहाँ पे मार्क कर लेंगे 3 इंचेस। यहाँ से 1/2 इंच नीचे शोल्डर स्लोप देंगे। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को जॉइन कर लेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो आर्महोल होता है फ्रंट और बैक का अलग होता है। बैक का फ्रंट का आर्महोल बैक के हम आर्महोल से थोड़ा छोटा होता है, इसलिए यहाँ से हम 1 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे फ्रंट आर्महोल के शेप के लिए। यहाँ से 1 इंच मैंने अंदर लिया। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम जॉइन कर देंगे। अब हमें आर्महोल का शेप इस तरह से देना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, टोटल 6.5 है, तो 6.5 का जो भी हाफ होगा जो आता है 3.2, तो 3.2 हम यहाँ पे मार्क कर देंगे 3.2 के यहाँ पे। तो जब हम शेप देंगे तो हमारा टर्न जो है यहाँ से होगा, इस तरह से शेप देते हुए, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम शेप देंगे। तो ये पहले मैं बैक आर्म होल का शेप दे रही हूँ, अब हम फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे। अब हमें सिलाई मार्जिन लेना है, तो यहां से हम 1/2 इंच लेंगे शोल्डर से 1/2 इंच। आर्म होल से भी 1/2 इंच, ये जो बैक का आर्म होल है उसे फॉलो करते हुए 1/2 इंच हम मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, आप 1, 1.5, 2 जितना भी चाहे उतना रख सकते हैं। मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कट कर रही हूँ, उसके बाद में मैं एक पार्ट ये एक हिस्सा हम निकाल देंगे, ये हमारा बैक है। ये बैक हो गया। अब इस पर हम फ्रंट आर्म होल का शेप देंगे, जैसे कि हम जानते हैं कि फ्रंट आर्म होल जो है बैक के आर्म होल से थोड़ा छोटा होता है। अच्छी तरह से इसे बिछा लेंगे फिर से। अब यहां से हमें शेप देना है।
इस कट से। अलग चार्ट से दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ से तो ये हमारा फ्रंट आर्महोल का शेप हो गया। अब हमें क्या करना है, अब नीचे का जो पार्ट है उसकी कटिंग करेंगे हम। आप चाहे तो इसे गैदर्स कर सकते हैं, अम्ब्रेला कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो हूँ ए लाइन कट करने वाली हूँ। कपड़े को अच्छी तरह से बिछा लेंगे, दोबारा इसे रखेंगे। बराबर सेंटर से पकड़ते हुए और यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, मैं एक मार्किंग कर दूंगी। ठीक है, तो ये हमारा वेस्ट राउंड है। वैसे आप ए लाइन कट कर रहे हैं तो वेस्ट राउंड निकालने का फॉर्मूला है, जो भी आपका वेस्ट राउंड है डिवाइड बाय 4 और जितना भी आपने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है वो प्लस करना होगा आपको। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली कपड़ा रखकर मैंने वेस्ट राउंड की मार्किंग कर ली है। ये मेरा फ्रंट है, अब लोअर बॉडी की जो टोटल लेंथ बची है वो है 26 इंचेस। तो 26 में प्लस 1.5 इंच हम करेंगे हाफ इंच ऊपर की सिलाई का और 1 इंच से फोल्ड के लिए। 26 प्लस 1.5 इंच हाफ इंच हमें ऊपर से लगेगा ज्वाइन करने के लिए और 1 इंच नीचे से फोल्ड के लिए, तो टोटल हो जाएगा 27.5 इंचेस। तो यहाँ से हम 27.5 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें ए लाइन का शेप देना होगा, तो यहाँ पर हम मेजरिंग टेप रखेंगे और यहाँ पर एंड तक इसे यू रखते हुए हम शेप दे देंगे। इसे सेंटर से नॉच कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी लोअर बॉडी और ये हमारी अपर बॉडी, फ्रंट और बैक। अब इसी को रखकर हम जो है अपनी लाइनिंग कट करेंगे। ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसका इस्तेमाल हम करेंगे कुर्ती में
डिजाइन देने के लिए, वो कैसे वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी स्टिच करते वक्त। तो इसके नीचे मैं व्हाइट कलर की लाइनिंग यूज करूंगी, इसे मैंने एक फोल्ड में रख लिया है। अब हम क्या करेंगे देखिए, एक फोल्ड में है, यहां से फोल्ड है इसका, तो दोनों एक साथ कट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से सर से रख के देख लेंगे, यहां तक तो आ रहा है, तो इसे हम यहां से ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। फ्रंट और बैक दोनों एक साथ कट जाएंगे इस तरह से हमारे, और फिर हम फ्रंट का पार्ट रखकर आर्म होल का शेप दे देंगे। देखिए ये दोनों फोल्ड साइड है और ये ओपन साइड है चारों। तो फोल्ड साइड से पहले हम लेंगे बैक, तो देखिए एक हो गया हमारा बैक। अब क्योंकि दोनों ही आर्म होल बैक के हैं, एक बैक हम रख देंगे। अब फ्रंट जो है हमारा, अब यहां से वेस्ट फ्रंट का मेजरमेंट करेंगे, मार्किंग कर लेंगे।
फ्रंट बैक एक साथ कर चुके हैं। तो ये हमारी हो गई कटिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में, मतलब पार्ट टू में, मैं इस कुर्ती की स्टिचिंग करके दिखाऊंगी आपको, और किस तरह से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है उसका यूज मैं इसका डिजाइन करने के लिए, पिन टक्स करेंगे हम इसमें, वो किस तरह से होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, उसके लिए आप पार्ट टू जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे सेफ, टेक केयर, नमस्ते।